नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ स्टेबलाइजर का, जो कि LED TV होम थिएटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए यूज़ में किया जाता है। तो ये वी कार्ड का स्टेबलाइजर है। तो ये एक न्यू टाइप का है, जो सिर्फ जो हाई वोल्टेज LED TVs जो है हमारे 43 इंचेस 49 इंचेस उसके लिए स्पेशल बना है, जो वी गार्ड वेरी गुड क्रिस्टल का एक उसका मॉडल है। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट योर LED TV। तो इसका जो वर्किंग रेंज है वो 90 VAC टू 290 VAC है। तो ये एक बहुत बड़ी रेंज है। इसके बीच में अगर आपका जो सप्लाई है घर का, वो अगर कम ज़्यादा भी होता है, फिर भी आपको जो आपके डिवाइस है, टीवी है, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ी वर्किंग रेंज है और इसका जो वारंटी है ये 5 ईयर्स का है। एक्चुअली यहाँ पे 3 ईयर्स दिया हुआ है, पर मुझे जो बायर ने मुझे कस्टमर ने ये मुझे 3 ईयर्स का दिया है। तो अभी आपके इसको स्पेसिफिकेशन बताऊँ मैं क्या हुआ है। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे देखिए, स्पाइक प्रोटेक्शन है, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज कट ऑफ, उसके बाद में इनिशियल टाइम डिले सिस्टम, एंड ये जो है ना, इसकी कंपनी ISO सर्टिफाइड है। तो स्पाइक प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है कि अगर जब आपका लाइन घर पे जो चालू रहता है वो सडनली अप एंड अगर डाउन होता है, तो उसका उसके आपको प्रोटेक्शन देता है। कितने भी अगर लाइन हाई वोल्टेज हो जाए या फिर लो वोल्टेज हो जाए, तो ये आपको उससे प्रोटेक्ट करता है, तो उसको स्पाइक प्रोटेक्शन बोलते हैं। उसके बाद में हाई एंड लो वोल्टेज कट ऑफ, अगर आप सडनली लाइन चालू होते वक्त एकदम से तो ये जो हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज कट ऑफ है, इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे जो वर्किंग रेंज थी 290, अगर इसके ऊपर अगर आपका सप्लाई चला जाता है तो ये क्या कर देगा, सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। या फिर 90 के नीचे आ जाता है लो वोल्टेज कट ऑफ, तो अगर 90 के नीचे आ जाता है तो ये अपना सीधा सीधा सप्लाई ऑफ कर देगा और आपका जो टीवी है वो ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद में इनिशियल टाइम डिले सिस्टम, अभी कभी कभी क्या होता है ना कि जब आपका जो सप्लाई है अगर वो कम ज़्यादा रहता है, तो आपका जो टीवी है या फिर जो भी अदर सिस्टम है वो स्टार्ट चालू होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। पर इसमें क्या होगा, अगर इसका जो स्पेसिफिक जो टाइम है उसके अंदर ये आपके टीवी को शुरू करेगा, तो जो स्पेसिफिक जो डिले टाइम है वही रहेगा इनपुट सप्लाई की। तो ये जो डिले सिस्टम है, इसमें क्या होता है ना कि आपका जो सपोज़ आपके घर की लाइट चली गई और जब आती है एकदम से, तो उसमें क्या है ना, बहुत सारे स्पाइक्स रहते हैं, लो एंड हाई वोल्टेज रहता है, तो उसको ये स्टेबलाइजर करेक्ट करेगा, जो उसको स्पेसिफिक जो चाहिए वो करेगा, उसके बाद में आपको टीवी के देगा। तो वो एक डिले टाइम रहता है उसका, उसके बाद में वो सप्लाई को आगे भेजता है। तो ये जो है ना, एक ISO सर्टिफाइड है, यहाँ पे दिखा दिया हुआ है और ये इसका पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक इसके इसके स्पेसिफिकेशन है, इसके अंडर में ये पूरा वर्किंग करता है और यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको अगर स्टेबलाइजर लेना है तो आपको चेक क्या क्या करना होगा। एक मॉडल है इसका वी गार्ड क्रिस्टल का, और एक इसका कैपेसिटी, आपको अगर आप स्टेबलाइजर ले रहे हैं तो आपका जो घर का जो सिस्टम है, जो टीवी है, होम थिएटर है, अदर जो भी डिवाइस है, तो वो कितने एम्पियर का है वो आपको चेक करना है। यहाँ पे देखिए ये 2 एम्पियर का है। इसमें एक छोटा भी एक वी गार्ड का एक और भी स्टेबलाइजर रहता है, जो सिर्फ 1.2 एम्पियर का रहता है, सॉरी 1.3 एम्पियर का रहता है, तो इससे वो थोड़ा सस्ता रहता है। तो यहाँ पे ये 2 एम्पियर का हमारी जो ज़रूरत थी, तो हमें 2 एम्पियर का कम से कम चाहिए था, तो हमने ये 2 एम्पियर लिखा। अगर आपके यहाँ पे और भी हाई डिवाइसेस है हाई वोल्टेज के, तो आपको 3 एम्पियर लगेंगे या फिर उससे ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनपुट वोल्टेज 230 है, सिंगल फेज 50 हर्ट्स है। ये सब आपको चेक करना होगा जब आपको लेना है। तो आउटपुट वोल्टेज स्टेबलाइज आएगा, कितना भी इनपुट में कितना भी फ्लक्चुएशन हो, फिर भी आउटपुट में आपको स्टेबलाइज ही देगा। तो ये किस किस के लिए चलता है, 1 LED TV, LCD TV प्लस DVD DTH प्लस होम थिएटर सिस्टम अप टू 2 एम्पियर्स, 2 एम्पियर्स ये सब चलेगा। तो इसमें एक है
ये 2000 अप्रैल का 17 का पैकिंग है इसका, और इसका जो प्राइस है वो 2850 है, पर हमें 2400 तक मिल गया है। जो ऑनलाइन का रेट है वो सेम ही है, हमने डायरेक्ट दुकान से लेके आए, और ये सब इससे नीचे दिया हुआ है कहाँ से बन के आए ये, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं इसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको इसका। पैकिंग भी बहुत अच्छा है, बबल शीट लगाया है यहाँ पे इसको। बहुत हेवी है ये, वेट 10 किलो के आसपास होगा इसका। तो इसका जो वेट है वो 2 kg के आसपास है। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये इसके साथ में फिटिंग करने के लिए थोड़ा ये आया है, स्क्रू वगैरह आया है। अगर आपको फिट करना है वॉल में तो शायद आप वॉल पे फिट कर सकते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ से आप वॉल में फिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 स्क्रू दिखाया, सॉरी हैंग करने के लिए दिया हुआ है ये आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे फ्यूज़ है इसका। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर चालू नहीं हो रहा है। अगर सडनली सपोज कुछ ज़्यादा ही लाइटनिंग हो गया और अदर कुछ प्रॉब्लम आ गया आपके, इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये स्टेबलाइज़र को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फ्यूज़ लगाया गया है। तो ये स्टेबलाइज़र को प्रोटेक्ट करेगा और ये यानी फ्यूज़ हो जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम आए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे टाइट नुक बंद के ना बोल लगा चल। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन भी दिया हुआ है, LED इंडिकेशन है, इनपुट एंड आउटपुट। ये मैं आपको लगा के बताता हूँ कैसे काम करता है। उसके साथ में एक फ्यूज़ भी आया है। अगर एक आपका फ्यूज़ हो जाएगा तो ये इधर आपको एक एक्स्ट्रा दिया है। और थामा बाबू देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से एक अंदर थोड़ा सा इसका इंफॉर्मेशन है। मॉडल VG क्रिस्टल है, वेरी गुड क्रिस्टल। कैपेसिटी 2 एम्पियर है इसका, और जो वर्किंग रेंज है वो भी है 90 वोल्ट टू 290 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज़। उसका कैलिब्रेशन एक्यूरेसी दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रहता है इसका। ये टॉलरेंस है इसका कि ये काम कितना करेगा, प्लस माइनस 2.25% है। एक बहुत अच्छा इसका टॉलरेंस है, इससे कम नहीं रहता है किसके किसी भी आपको भी जो स्टेबलर है जिसका कम नहीं मिलेगा इसका। तो एक अच्छा इसका टॉलरेंस है। और ये आउटपुट वोल्टेज है इसका 200 वोल्ट टू 240 वोल्टेज, फ्रॉम 167 वोल्ट टू 288 इनपुट है इसका। और ये एप्लीकेशन इसका 1 LED LCD 3D TV भी अलाउ किया है, DVD DTH होम थिएटर सिस्टम अप टू 2 एम्पीयर्स पे चलता है। तो यहाँ पे भी एक इंफॉर्मेशन दिया है सब, एक दिखने में भी एक इसका अच्छा है। तो आप ऐसा हैंग करके एक एक आपके घर के वहाँ पे एक अच्छा दिखेगा आपके TV या LCD का जो है, तो आपका लुक भी ख़राब नहीं होगा आपके इसका। तो मैं आपको अगले मेरे एक वीडियो में बताऊंगा कि इसको आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इसको लगा के बताऊंगा
टीवी या इसको जो फ्लक्चुएशन है वो कम हो जाएगा और प्रोटेक्ट हो जाएगा। और तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको मुझे कुछ कहना है तो फिर आपको कमेंट भी कर सकते हो। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।